आप देख रहे हैं अपना समाचार। बेटी कहे पुकार के एगो ऐसन फिल्म बने जा रहल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, जेकर की महत्व ई बा कि बेटी के सम्मान देवे के बा। उ टाइटले से रहुआ पता चल रहल बा राम जी कि बेटी के कितना सम्मान देवे के चाहिए, जो कि आज के युग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है अभियान, तो हौ अभियान चलता, लेकिन सम्मान मिलत नहीं खे। तो आज के रेट में हमरा लागत था कि नौकरी करे वाले भी की संख्या में लड़कन के कम और लड़कियन के ज़्यादा नौकरी मिला था। तो बेटियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, और बहुत डर भी लागत था, कहे कि ई मूवी जो बा, ई मूवी में सुशील जी हमारे अपोजिट हैं, जो कि पता नहीं कितने 100 फिल्म कर चुके हैं, और हमारी दूसरा तीसरा फिल्म बा, तो हमारा मन में बहुत डर भी बा, कहे कि रोवे की बहुत बा, इमोशन बहुत बा, और कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग ये रोल हमरा दिले बाड़े। और हमके ई बहुत खुशी बा कि प्रमोद जी के ई बिलीव रहे, बीके पंडित जी के ई बिलीव रहे कि ई चैलेंजिंग रोल जो बा हम कर सकीले। आपको सच में लगता है कि औरतों महिलाओं लड़कियों को रोना सिखाना पड़ेगा? रोना सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बॉर्न बॉट रोना सीख के आते हैं। वैसे तो बच्चे जब पैदा होते हैं सर, तो बच्चे तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो रोते ही रोते पैदा होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां थोड़ी सी हृदय की बड़ी नरम होती हैं, लेकिन सख्त भी उतनी होती हैं। मैंने यह अपना खुद का नोटिस किया है कि जितनी वो सॉफ्ट होती हैं उतनी ही हार्ड भी होती हैं। जब दुर्गा के रूप होला तब फिर अच्छा अच्छा के लोगन के नरसंहार हो जाला, और जब प्रेम करे ली आदमी तो इतना प्रेम से प्रेम करी है कि ओकरा खातिर राधा मीरा बन जाली, और पूरा धन संपत्ति भी लूट चाहते हो, निशा जी सुनाना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा रिसेंटली एक गाना रिलीज हुआ है जिसका कल ही 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हुआ है। बरसात का मौसम ऐसी में वो सनम, बरसात का मौसम, ये वीडियो बहुत ही प्यारा बना है। पुरी जी ने भी रिकमेंड किया था कि बहुत प्यारी वीडियो है, प्रमोद जी ने भी, बीके जी ने भी। ऐसे में ओ सनम कमी तेरी मुझे तो सताए है, पानी 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 जवानी हुआ जाए रे, पानी पानी जवानी हुआ जाए रे। और कल मेरा एक गाना रिलीज हो रहा है जो बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसका MP3 रिलीज हो गया है, और मैं जनता को बहुत सारा थैंक्स करना चाहूँगी। कोई भी एक्ट्रेस जो इस इंडस्ट्री में आई है किसी ना किसी का सपोर्ट पा के आई है। मैं अगर आऊँ और बोलूँ कि एज एन एक्ट्रेस एज एन सिंगर मैं अगर कुछ भी हूँ, तो सिर्फ मेरी माँ के आशीर्वाद और मेरे फ़ैन फॉलोअर्स की वजह से। क्योंकि आज वो मुझे फॉलो नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा हीरो है जो किसी को खड़ा करता है। सबके एक एक सेट लोग हैं, वो उन्हीं को रिकमेंड करते हैं, वो उन्हीं को हीरोइन रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये पूरा पूरा क्रेडिट मेरे जनता को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट एक एज अ सिंगर खड़ा किया है इंडस्ट्री में।